दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे एलईडी बल्ब मेकिंग प्रोसेस, मोबाइल मेकिंग प्रोसेस और साथ ही साथ जानेंगे माचिस मेकिंग प्रोसेस। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि यह तीनों चीजें आपके डेली यूज में काम आने वाली चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर आता है एलईडी बल्ब मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले इस मशीन में एलईडी का सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है जिस पर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद एलईडी को पावर देने के लिए तैयार किया जाता है पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ड्राइवर, जिसका काम होता है एसी टू डीसी पावर में कन्वर्ट करना। अब इन ड्राइवर्स को बल्ब की बॉडी में रखा जाता है और ऐसे बैक पैनल उठाकर पीसीबी को इनमें फंसा दिया जाता है। यह जो आप बनता देख रहे हो यह है एल्यूमिनियम का तोर जिसे इन बैक पैनल्स को कवर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब यह रोबोटिक मशीन इन एलईडी को उठा उठा कर हीट सिंक में फिक्स कर देती है और यहाँ यह रोबोटिक मशीन इन बल्ब में लगी हाउसिंग उठाती है और उन्हें उल्टा करके आगे बढ़ाती है। और अब यहाँ कुछ वर्कर्स बल्ब के सिरे से वायर को सीधा करते हैं और फिर यह ऑटोमेटिक मशीन बल्ब पर फोल्डर फिट कर देती है। और यहाँ एक रोबोटिक मशीन एक्स्ट्रा वायर्स को कट करके इनकी सोल्डरिंग करती है और जॉइंट्स को पक्का कर देती है। यहाँ इन पर प्लास्टिक के कवर लगाया जा रहा है जिससे इन बल्ब्स को इनकी शेप मिलेगी। अब इन बल्ब की लाइन तैयार हो चुकी है, टेस्टिंग के लिए इन्हें आगे भेजा जाता है। यहाँ बल्ब में अलग अलग पावर का करंट पास करके टेस्टिंग की जाती है और चेक किया जाता है कि लाइट की क्वालिटी, टेम्परेचर और ड्यूरेबिलिटी सही है या नहीं। अब यहाँ से जो बल्ब पास होते हैं उन पर की जाती है ऐसे कंपनी की लेबल। और कुछ ऐसे पैक करके इन्हें आगे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है मोबाइल फोन मेकिंग प्रोसेस। पहले का दौर कुछ और था जहां पर बस किसी किसी घर में ही मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन हुआ करते थे, लेकिन आज का दौर कुछ अलग ही है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हमें मोबाइल फोन देखने मिलते हैं, है ना। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं कोरिया में बने इस सैमसंग स्मार्टफोन के प्लांट में। स्मार्टफोन बनाने की शुरुआत होती है इनके ढांचे यानी कि बॉडी तैयार करने से। एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कुछ ऐसे ऑटोमेटिक कटर से छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है और अच्छे से बॉडी का आकार दे दिया जाता है। अब यह बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं है, अभी इनमें पॉलिशिंग करना बाकी है, स्क्रू के लिए छेद बनाना बाकी है। तो पहले ऐसे यहाँ जहाँ स्क्रू लगने होते हैं वहाँ छेद कर दिए जाते हैं और ऐसे ही जो एक्स्ट्रा पार्ट निकले हैं उन्हें भी पैचिंग मशीन की मदद से नीट एंड क्लीन शेव दे दिया जाता है। अब बारी आती है इस बॉडी को थोड़ा चमकाने की और साइड फिनिशिंग देने की। तो ऐसे सीएनसी रोलर मशीन वह चमचमाती फिनिशिंग भी इस कवर पर दे देती है। इतनी घिसाई पिटाई के बाद इस पे थोड़ा सा तो डर्ट जम ही गया होगा, इसीलिए इन बॉडीज को अल्कोहल सॉल्यूशन में धोकर साफ कर लिया जाता है। अच्छा जी, यह तो हमने बना ली बॉडी कवर। अब चलते हैं पास ही बन रहे दूसरे यूनिट में जहां टच स्क्रीन बन रहा है। यहां भी पहले तो एयर मोल्ड्स के टच स्क्रीन को टुकड़ों में काटा जा रहा है और थोड़ी सी इसकी भी घिसाई पिटाई करके परफेक्ट एजेस और शेप बना लिए जाते हैं। अब यहां से हम दो कदम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि स्क्रीन पॉलिशिंग चल रही है और इसके बाद इन्हें भी अल्कोहल सॉल्यूशन में डुबाकर धो लिया जाता है। और अब बारी आती है टच पैनल को स्क्रीन से जोड़ने की।
यह तो बात हुई बॉडी और टच की, अब हम चलेंगे किसी भी मोबाइल की जान यानी कि पीसीबी बनाते देखने को। यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट जैसे कि फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा लगा दिए जाते हैं। अब पीसीबी के बॉटम को देखें तो यह माइक्रोफोन या माइक लगेगा। टॉप पर चले तो यह लगेंगे स्पीकर और वाइब्रेटर। अब इस तैयार पीसीबी को पहले इसके रेडी टच स्क्रीन पैनल में कनेक्ट कर दिया जाता है और यही लगे हाथ फोन में पावर बटन और वॉल्यूम बटन भी लगा दिए जाते हैं। और एक चीज तो हम भूल ही गए, जी हाँ, अभी एक वाटर डैमेज डिटेक्टर लगाना बाकी है। यह एक छोटा सा सफेद कलर का गोल स्टिकर होता है जो पानी लगने के बाद लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और आपके फोन की वारंटी हो जाती है वहां से एक्सपायर। अब कुछ छोटे मोटे काम निपटा लेने के बाद की जाती है स्मार्टफोन की टेस्टिंग, जिसने इसे रगड़ रगड़ के चलाया जाता है। कैमरा टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट, बटन टेस्ट जिसमें बटन्स को हजारों बार दबाया जाता है, और उसके बाद होता है बेंड टेस्ट जिसमें मोबाइल पर प्रेशर लगाकर बेंडिंग कैपेसिटी चेक की जाती है, और फिर होता है ड्रॉप टेस्ट जिसमें मोबाइल को अलग अलग स्टाइल से फेंक कर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की जाती है, और चार्जर कनेक्टर में यूजेबल केबल बार बार फंसा कर निकाली जाती है जिससे कनेक्टर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी चेक की जाती है। और फिर यह सारे फोन यहाँ से जाते हैं पैकेजिंग की यूनिट में, जहाँ वर्कर्स इनमें IMEI नंबर की स्लिप लगाकर इन्हें पैक कर देते हैं, और कुछ ऐसे पैकेजिंग की जाने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है आप तक पहुंचाने के लिए। अब आखिरी नंबर पर आता है माचिस मेकिंग प्रोसेस। माचिस बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो लकड़ी का ही होता है, लेकिन लकड़ी भी ऐसी होनी चाहिए जो पर इसके लगाए जाने वाले केमिकल को सोख पाए, और इतनी नरम होनी चाहिए कि इसे छोटी छोटी तीलियों के रूप में काटा जा सके, और इतनी कठोर भी होनी चाहिए कि घिसने पर तीली कहीं टूट ना जाए। तो इसके लिए एक खास लकड़ी का यूज करते हैं जिसे देवदार की लकड़ी बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यह मशीन इस मोटे लकड़ी को एक पतली लेयर में कन्वर्ट कर रही है। इन सैकड़ों लेयरों को फिर कटर मशीन एक साथ ऐसे छोटी छोटी तीलियों में कन्वर्ट कर देती है। अब देखो कैसे यह फिल्टर मशीन करोड़ों तीलियों में से टूटी फूटी तीलियों को अलग कर रही है। अब यहाँ कटी हुई तीलियों को कुछ ऐसे सांचे में फंसा दिया जाता है। अब इस सांचे को उठाकर एक वर्कर्स अमोनियम नाइट्रेट के घोल में डुबाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि तीली आगे लगे हुए लाल ज्वलनशील केमिकल पर पकड़ बना सके। अब यह जो आप लाल कलर का लिक्विड बनते हुए देख रहे हैं, यही है माचिस की जान। फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड के मिक्सचर से इसे बनाया जाता है। अब पहले से तैयार जिन सांचों में तीलियां फंसी रखी थी उन्हें इस ज्वलनशील मिक्सचर में डुबोकर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है प्रिंटिंग की, तो पहले ऐसे इन गट्टों को बराबर साइज में काटा जाता है। कट जाने के बाद कुछ ऐसे ही की जाती है प्रिंटिंग। अब बारी आती है माचिस के दोनों साइड्स में जो खुरदुरा परत है उसे प्रिंटिंग गट्टे पर चिपकाने की। तो ऐसे यह मशीन जो जानी मानी परत होती है उन्हें गट्टों पर चिपका देती है। अब इतने बड़े गट्ठे से छोटी सी माचिस तो बन नहीं सकती है, तो यह कटर मशीन इन बड़े गट्टों को छोटे छोटे बॉक्सेस में कट कर देती है। देखिए कुछ कामगार ऐसे इन बॉक्सेस में तीलियां भरते हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो फैक्ट्री में ऐसे फिलिंग मशीन इन सभी बॉक्सेस में बराबर बराबर तीलियां भर इन्हें पैकिंग डिपार्टमेंट में भेज देती है। अब इन्हें पैक करके आपके पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। त
तब तक के लिए नमस्कार।